हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मेकर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं क्रिएटिव मेकर, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गार्डनिंग से जुड़ी कुछ इजी टिप्स, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है। ये देख सकते हैं आप, ये प्लांट्स मैंने कुछ लगा कर रखे हैं। यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है क्योंकि धूप ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ फ़ोन की। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने कुछ प्लांट्स हैंगिंग करके लगाए हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ईजी सी इसमें टिप्स हैं जो कि मैं आप लोग को देने चाहती हूँ। ये देखिए, ये है प्लास्टिक की एक कोको कोला की बॉटल है, ये कोई भी बॉटल ले सकते हैं आप। और ये देखिए कुछ प्लांट्स मैंने अलग से भी लगाए हैं छोटे पॉट में। ये है कोको कोला की बॉटल, इसमें भी लगाया हुआ है मैंने ये वाला प्लांट, जो कि पर्पल कलर का होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें कम पानी में भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है, तो इसी के बारे में आज मैं बताऊंगी कि यह कैसे बनाया है मैंने और बहुत ही सुंदर लगता है। अभी ये मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया है, इसलिए कम लीव्स हैं इसमें। तो चलिए फिर मैं आप लोग को बताती हूँ ये कैसे बनाया है। अगर ये ज़्यादा घना हो जाएगा तब भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये इसके लिए प्लास्टिक की बॉटल ले ली है मैंने, आप कोई भी छोटी बड़ी कैसी भी लेना चाहें ले सकते हैं। और इसे नीचे की तरफ से 3-4 होल करने हैं और ऊपर का जो नीचे का बॉटल के नीचे का जो पार्ट है उसे हटा देना है हमें। उसमें मैंने मार्क कर रही हूँ कहाँ कहाँ हमें इसमें होल करने हैं। तो ये देखिए इतनी इतनी दूर पर हमें होल करने हैं गोल गोल। आप चाहें तो आपके पास ड्रिल मशीन हो उससे कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली किसी भी गैस पर, या फिर आपके पास लाइटर वगैरह हो उससे आप किसी चीज़ को, लोहे की रॉड वगैरह को गर्म करके, या फिर चाकू से भी होल कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से आप होल करें इनमें। और इस तरीके से मैंने इसमें पहले निशान लगा लिए मार्कर से, फिर अब मैं इसमें होल कर लूँगी जहाँ जहाँ मैं टिक मार्क कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए नीचे का जो हिस्सा है उसे हमें हटाना है। ये देखिए मैंने होल कर लिए हैं, मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने ये चाकू को गर्म करके फिर होल किया है, तो बहुत ही इजी हो जाता है प्लास्टिक में होल करना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग करके रखी है इस वाली प्लांट्स की। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें मैं ये एक एक होल में एक एक उसकी जो कटिंग है वो लगाती जाऊँगी अंदर तक। हमें करीब 1 उंगली 2-3 इंच करीब अंदर तक इसे अंदर घुसाना है, इसके अंदर डालना है। और उसके बाद में हम इसमें मिट्टी डालेंगे, तो ये एक एक मैं इसमें डालती जाती हूँ। हर होल में आपको एक एक डालना है, जितने होल में आप बन सके उतने होल में डाल दें, फिर बाद में अगर बच जाएँ तो आप मिट्टी डालने के बाद भी होल में डाल सकते हैं। लेकिन मैंने मिट्टी डालने के पहले ही डाला है क्योंकि ये अंदर अच्छी तरीके से चली जाएंगी और फिर अच्छे से मिट्टी इन्हें पकड़ लेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये डाल लिए हैं। अब मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, बहुत धीरे धीरे डालना है मिट्टी, एकदम से नहीं डालना है क्योंकि इसकी जो मैंने कटिंग की है बहुत नाजुक होती है, तो ये टूट ना जाए इसलिए बहुत धीरे धीरे चम्मच से मैं डालती जा रही हूँ मिट्टी को, और थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह अंदर चली जाए और कहीं से एयर ना रह जाए। बस ऐसे डालते जाना है और इसे अच्छी तरह पूरा भर देना है, थोड़ा सा खाली रहना है ऊपर से, बाकी पूरा भर देना है। और सबसे नीचे होल ज़रूर करें आप, उसमें से क्या है एक्स्ट्रा जो वाटर रहेगा वो निकलेगा, तभी हमारे ये प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी अच्छी तरह इसमें दबा दबा कर भर दी है, एकदम ज़्यादा भी नहीं दबाना है लेकिन थोड़ा सा अच्छे से भर देना है इसे पूरा। और ये देख सकते हैं आप, पूरी इसमें मिट्टी लग गई है करीब, ये देख सकते हैं। आज मैंने थोड़ी सी कटिंग वगैरह की थी तो मैंने सोचा कि आप लोग को बताऊं। और देखिए इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है और ऊपर से मैंने इसमें तार वगैरह बांध करके हैंगिंग के लिए तैयार कर लिया है, आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लगेगा ये। अगर आप लोग अपने घर के सामने या घर के अंदर भी आप इसे हैंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये, इनडोर और आउटडोर दोनों में काम करता है ये वाला प्लांट, ख़राब नहीं होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, देख सकते हैं आप। एक मैंने यहाँ पर के बनाया है मेरी बालकनी में लगाने के लिए और एक मैंने खिड़की के वहां पर टांगा है,
तो आप लोग बताइएगा ये आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ मैं आप लोग से मिलती रहूँगी। लेती हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।